ओके सो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज 2D मोशन, बट उससे पहले एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं 1D मोशन का। 1D मोशन में हम लोगों ने बात की थी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन की, सिंपल थे, v = u + at, ठीक है, v² = u² + 2as और s = ut + ½at², ठीक है। और फिर हम लोगों ने बात की थी साइन कन्वेंशन की, कि हमारे ऊपर है कौन सा डायरेक्शन हम पॉजिटिव माने, कौन सा डायरेक्शन नेगेटिव माने, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ है, जैसे यहाँ पे v क्या चीज़ है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब, तो हमने कुछ एक टाइम में ऑब्जर्वेशन लिया है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया, उस टाइम के एंड में जो वेलोसिटी थी वो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, ब्रह्मांड के अंत के समय की बात नहीं है यहाँ पे, फाइनल मतलब ख़त्म वाला सिस्टम नहीं है, हमने जब देखना बंद किया, हाँ इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या चीज़ है, जहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया था वहाँ पे जो भी वेलोसिटी रही होगी वो इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन उसको डिफाइन हमने किया था, टाइम, ठीक है। सो और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एयर बलून में कौन बैठना चाहेगा, आपका नाम क्या है, आकाश, हाँ हाँ, सो आकाश जा रहे हैं आकाश की ओर एयर बलून में बैठ के, ठीक है, और एयर बलून जा रहा है ऊपर की ओर, मान लेते हैं कि आकाश एयर बलून में जा रहे हैं और एयर बलून खुद 15 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ज़मीन से ऊपर उठ चुके हैं, जब वो ज़मीन से 40 मीटर्स ऊपर होते हैं तो उन्होंने पत्थर गिराया नीचे, ठीक है, पत्थर छोड़ दिया, अब नीचे खड़ा है कौन, आपको आपके किसी झगड़ा वगैरह चलता है क्या क्लास में, नहीं चलता, चलो ठीक है करवा देते हैं, किससे करवा दें, तो अंकित से आपको झगड़ा चल रहा है मान लो, ठीक है, आपने पत्थर छोड़ दिया अंकित के ऊपर गिरेगा टाइप से, तो अंकित के पास कितना टाइम है कि वो हट जाए तो अपनी जगह से, ठीक है, ये सिचुएशन गिवन है, आप पत्थर बस ड्रॉप कर देते हैं और अंकित नीचे खड़ा है 40 मीटर्स नीचे इस इंस्टेंट पे, कितने देर बाद अंकित के पास कितना टाइम है कि वो हट के बच जाए, ठीक है, सो अटेम्प्ट कीजिए आप, बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्ले बटन दबाते हैं, ये जो पिक्चर दिया हुआ है, अगर आप प्ले बटन दबाएंगे तो आगे क्या होगा कहानी में, तो ये पत्थर सीधे सीधे नीचे आएगा और इसको आके गिरेगा इस यहाँ पे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, कुछ अंतर है इस, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, क्या डिफरेंस है, क्या होगा, शुरू में पहले ऊपर जाएगा, क्यों ऊपर जाएगा, जब तक उसकी वेलोसिटी, तो शुरू में शुभम कह रहे हैं कि ये जो पत्थर है ये शुरू में ऊपर जाएगा, जब आकाश ने छोड़ा है तो पहले वो भी आकाश की तरफ जाएगा, ठीक है, फिर वो वापस नीचे आएगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं, ठीक है, ऐसा क्यों होगा, मान लेते हैं ये तो 15 मीटर पर सेकंड आप एग्जैक्टली इमेजिन नहीं कर पा रहे, मान लेते हैं कि ये एकदम हाई स्पीड से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से ऊपर जा रहा हो, स्पेसशिप टाइप का सिचुएशन हो, अच्छी खासी स्पीड से ऊपर जा रहा है और आप अगर पत्थर ड्रॉप करते हैं तो वो थोड़ा देर तो आपके साथ ऊपर, मतलब वो उसकी खुद की काफ़ी स्पीड है, आप उसने उसको खाली ड्रॉप किया है अगर, तो उसकी खुद की एक अच्छी खासी स्पीड है, तो वो शुरू में किसी स्पीड से तो ऊपर जा रहा होगा, किस स्पीड से ऊपर जा रहा होगा,
जब आपने जस्ट छोड़ा है तो पत्थर की स्पीड आपके स्पीड के बराबर है। आपकी स्पीड कितनी थी? 15। तो इसका मतलब पत्थर शुरू में ऊपर की ओर 15 की स्पीड से जा रहा होगा, ठीक है। बाकी कहानी आपको समझ में आती है। 15 की स्पीड से शुरू में ऊपर जा रहा था और घूम करके वापस आएगा। अब जैसे हम कन्वेंशन यूज़ करते हैं, ऊपर की या नीचे दोनों में से एक डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज़ करते हैं, दूसरे को नेगेटिव। कौन से को पॉजिटिव चूज़ करना है? ऊपर को पॉजिटिव चूज़ करना है बोल रहे हैं, ठीक है। हम ऊपर को पॉजिटिव मान लेते हैं, मान लिया। अब हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है सिस्टम जो पत्थर है उसकी, तो हो गया प्लस 15। अब प्लस माइनस ध्यान रखना अपने को, ठीक है, साइन कन्वेंशन। फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं पता, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जी, जिसको हम 10 लेके चलेंगे तो 10 पॉजिटिव 10 होगा कि नेगेटिव होगा? तो 10 तो लिख देते पहले, प्लस लगाना है आगे कि माइनस लगाना है देखते हैं। ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? नीचे की ओर। कैसे बोल रहे हैं? ये जब ऊपर जा रहा है, ऊपर की जर्नी में ये जो हिस्सा है, इस प्रोसेस में भी क्या एक्सेलरेशन नीचे ही है कि नहीं? ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। ये तो समझ में आता है कि जब ये नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे ही है, जब ये ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन का क्या डायरेक्शन है? तो एक आंसर आ रहा है कि नीचे ही है। इसका क्या मतलब है समझने की कोशिश करिए, सही आंसर है। तो ऊपर की ओर शुरू में वेलोसिटी थी 15, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी हो गई 10, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी हो गई 5। स्पीड कम हो रहा है, जिस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ता है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो स्पीड कम हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन उसके उल्टे डायरेक्शन यानी कि नीचे डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। उल्टी जर्नी में क्या हो रहा है? जब ये वापस आ रहा है तब इसी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ रही है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन अब भी इसी डायरेक्शन में। तो पूरे प्रोसेस में जो एक्सेलरेशन है नीचे है यानी कि नेगेटिव, ठीक है। टाइम हमको पता लगाना है और डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर्स तो हम लिख देते हैं, ठीक है। प्लस माइनस मेन चीज़ है, बाकी सब आपको पता है। मेरे ख्याल से ये 15 होगा, ये 10 होगा, ये 40 होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन हो सकता है प्लस माइनस में, तो माइनस होगा कि प्लस होगा डिस्प्लेसमेंट? कन्फ्यूजन शुरू हो गया। एक्सेलरेशन में भी इतना कन्फ्यूजन नहीं था, डिस्प्लेसमेंट में ऐसा लगता है डिस्प्लेसमेंट मतलब आप कितना दूर गए, बस नंबर बता दो मेरे को, प्लस माइनस उतना सोचते नहीं, बट यहाँ पे हमको सोचना पड़ेगा। आपने डिसाइड कर लिया है कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, अब आपको जैसा भी लगता हो हमारे फॉर्मूले में वो डायरेक्शन के हिसाब से होगा। आप कहोगे आप यहाँ से यहाँ आ गए यानी कि प्लस के उल्टे डायरेक्शन में आ गए, ये पत्थर यहाँ से यहाँ आ गया, उल्टे डायरेक्शन मतलब नेगेटिव, तो ये आपके पास हो गया। अब उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन रखे हुए हैं, उसमें प्लग करोगे आंसर ले आओगे, ईजिली आ जाएगा, ठीक है। कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है यहाँ पे? एक सेकेंड, फिजूल खर्ची में स्पेंड करते हैं थोड़ा बहुत अच्छे कॉज में, जिस भी तरीके से, अपने तरीके से आप स्पेंड करने की कोशिश स्टार्ट कीजिए। हाँ ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे थे ये प्रॉब्लम की, इसमें कोई डाउट होगा आपको? इसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। सो हम लोग अब मेरे ख्याल से वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, तो उसमें चीज़ें क्लियर है आपको, पहले से भी कन्फ्यूजन था चीज़ें। अब हम लोग जाते हैं 2D में, ठीक है। 2D में हम लोग जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों ने देख रखा है, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन में आप कहते हैं, ठीक है, अब वही आकाश और अंकित की दुश्मनी चल रही है, ठीक है। इस बार वो हवा में नहीं, आकाश की तरफ नहीं जा रहा है, इस बार वो डाउन टू अर्थ है, ठीक है। यहाँ से पत्थर फेंकता है अंकित की तरफ और अंकित यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। वो भागने, अब उसके पास कितना टाइम है भागने के लिए और अंकित इतना दूर खड़ा है तो कितना समय होगा, और इस प्रोसेस में यहाँ पे अगर ऊपर सीलिंग है तो किस एंगल पे फेंक सकता है, इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे सीलिंग है, ठीक है, और
आकाश पत्थर फेंकता है, ज़्यादा ऊंचा फेंक देगा तो सीलिंग पे टकरा जाएगा, वो नहीं चाहिए हमको। तो सारी चीज़ों का हिसाब हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन जैसे करते हैं, तो इसको आप कहते हैं ये डिस्टेंस जो है कितने दूर जाके पत्थर गिर रहा है, इसको रेंज कहते हैं, ठीक है। एक मैक्सिमम हाइट भी अचीव होता है प्रोसेस में, ठीक है, और पूरे प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है, उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट अचीव्ड, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, ठीक है। इस प्रोसेस में आपने फेंका है पत्थर तो वो किसी एंगल पे फेंका होगा, किसी स्पीड से फेंका होगा, उस पर मैटर करता है। अगर आप धीरे फेंकेंगे तो पत्थर यहीं गिर जाएगा, तेज़ी से फेंकेंगे दूर जाके गिरेगा। ये सब बातें आपको कॉमन सेंस से पता है, कब से पता है, हमेशा से ही पता होगा मेरे ख्याल से। सामान फेंकना तो बचपन से स्टार्ट कर दिया, जब से डायरेक्शन जब आपका फिक्स नहीं हुआ होगा ऐसे फेंकेंगे, फेंक सीधा रहेंगे, आज हाथ नीचे जा रहा होगा, तब से फेंकना, सामान फेंकना, घर वालों को परेशान करना आपका स्टार्ट होगा। तो ये रेंज, हाइट वगैरह, ये स्पीड और इस थीटा पे डिपेंड करनी चाहिए ऐसा हमको लगता है, तो इसका हिसाब लगाना है हमको। एसेंशली ये जो मोशन है आप देख रहे हैं ये थोड़ा घूमा हुआ मोशन है, और इससे पहले जो मोशन की बात कर रहे थे हम लोग ये ऑलमोस्ट सीधा मोशन था, एक स्ट्रेट लाइन में था। तो ये कुछ अंतर है, 2D में काम हो रहा है हमारा। 2D में इस चीज़ को कैसे संभालेंगे, ठीक है, तो इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, पत्थर जब आपने फेंका था तो यहाँ से इस तरीके से जाते हुए यहाँ पे गिरा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टॉर्च लगा देते हैं बड़ा सा, ठीक है, कैसा टॉर्च बनाए, और ऊपर में भी एक टॉर्च लगा देते हैं, ठीक है। अब इस टॉर्च से क्या होगा, जैसे जैसे पत्थर इधर जाएगा, और यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे ज़मीन है, ठीक है, सो इस पत्थर का साथ साथ में एक शेडो, जब पत्थर यहाँ पे उसका शेडो यहाँ पे होगा, पत्थर यहाँ पे उसका एक शेडो यहाँ पे होगा, एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि शेडो खुद मूव कर रहा है पत्थर के साथ साथ। अब शेडो का जो मोशन है वो कैसा मोशन है, वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। इस शेडो की बात करते हैं, ये शेडो में क्या हुआ, यहाँ से पत्थर ऊपर गया, शेडो साथ साथ ऊपर गया, ठीक है, फिर शेडो साथ साथ नीचे आ गया, ये भी वन डायमेंशनल मोशन है। तो अगर आप ये दोनों शेडो के बारे में बता सकते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि पत्थर फेंका गया, उसके 3 सेकंड बाद मैंने देखा कि ये वाला जो ज़मीन वाला शेडो था ये 3 मीटर पे था, और दीवार वाला शेडो था ये 2 मीटर्स पे था, तो आप बता दोगे कि उतने सेकंड्स बाद पत्थर एग्जैक्टली कहाँ पे था, ठीक। एसेंशियली क्या कर पा रहे हो आप एक 2D मोशन को 2 1D मोशन में रिड्यूस कर पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सो एसेंशियली 2D मोशन का हमको कुछ अलग मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, कुछ अलग नया फॉर्मूला ईजाद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक। तो इसी चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब एसेंशियली क्या हुआ, इसका मतलब ये जो चीज़ थी ये एसेंशियली इक्वल है दिस प्लस दिस, ठीक है। अब इसका हिसाब लगाना अभी आपने लगाया है, इसका हिसाब लगाना है, सिंपल सा हिसाब है, ठीक है। तो दोनों का हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने पत्थर फेंका है स्पीड वी से किसी थीटा डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो शेडो है उसकी स्पीड क्या रही होगी शुरू में, तो सिंपली आप कहते हैं इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, क्योंकि आप कहेंगे जिस स्पीड से ये पत्थर इस डायरेक्शन में जा रहा है उसी स्पीड से शेडो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो शेडो की स्पीड जो है ज़रूर वी कॉस थीटा रही होगी, जो इस डायरेक्शन का मोशन है उसकी बात अगर करें तो। इस डायरेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो शेडो की स्पीड है वो रही होगी वी साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अब हमको 2 अलग अलग मोशन एनालाइज करना है। एक मोशन है जिसमें ऊपर की ओर था स्पीड वी साइन थीटा और वो इस तरह से कंप्लीट हुआ है, ठीक है। एक मोशन है जिसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में स्पीड था वी कॉस थीटा और वो कितना देर तक चला है नहीं पता, बट ये पता है कि इस प्रोसेस में जितना टाइम रहा उतना ही टाइम ये भी प्रोसेस में लगेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि इसका टाइम अगर टी तो इसका भी टाइम टी पूरे प्रोसेस का। अब अगर मैं आपको वी साइन थीटा बता दूँ इसका स्पीड, मान लो मैं ऊपर की ओर किसी पत्थर की स्पीड आपसे कह देता हूँ कि 10 है,
तो क्या आप बता दोगे कि उसको पूरा जर्नी में कितना टाइम लगेगा? क्या इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है? चलो उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसको ऊपर की ओर स्पीड 10 की स्पीड से फेंका तो ये घूम के वापस आएगा, इतना पता है। तो क्या सिर्फ इतने इन्फॉर्मेशन से आप टाइम बता सकते हो? तो चलो देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो हम कहेंगे इनिशियल स्पीड कितनी है। अच्छा, पहले साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव किधर लेना है? ऊपर। चलो ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। स्पीड, इनिशियल स्पीड कितना है? 10, प्लस की माइनस? ऊपर पॉजिटिव वेलोसिटी है, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी होगा, सॉरी, ठीक है। पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ज़ीरो हुआ, ठीक है। और क्या पता है? फाइनल स्पीड वैसे आपको याद होगी, बट मान लो नहीं पता है, ये चीज़ हमको पता है, ये तो दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और u इतना है। एक्सेलरेशन माइनस जी, ठीक है। आप कौन सा इक्वेशन हमको टाइम दे देगा? थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे जो थर्ड लिखा है, जो यूजुअली सेकंड होता है, मैंने सीक्वेंस गलत कर दिया है, ओके। सो वो आपको टाइम की इन्फॉर्मेशन दे देगा, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ इनिशियल स्पीड है तो उससे आप टाइम का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। निकालेंगे, अगर आपके पास इनिशियल स्पीड 10 होता तो आप यू को 10 रखते। इनिशियल स्पीड 10 नहीं है, इनिशियल स्पीड आपके पास अब है वी साइन थीटा, इसको वी नॉट कर देते हैं, ठीक है, फाइनल स्पीड से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और एक्सेलरेशन जी के फॉर्म में रखते हैं, माइनस जी। आप सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे एस इक्वल्स टू, यानी कि ज़ीरो इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी कितना आ जाएगा इस केस में? रूट ऑफ, हाँ मतलब वो जो उस केस में 2 सेकेंड्स आया था, और इस केस में कितना आएगा? मतलब ये जनरलाइज करने के लिए हमने क्या किया, हमने इनिशियल वेलोसिटी जो 10 वगैरह दे रखी थी उस एग्जांपल में, उसको अपने एग्जांपल से रिप्लेस कर दिया, वी नॉट साइन थीटा रख दिया और एक्सेलरेशन माइनस जी रख दिया। सारा कुछ सॉल्व किया, क्या आएगा आपके पास आंसर? टी का 2v0 साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो अब ये 2D प्रॉब्लम थी, इसका खाली एक डायमेंशन के एनालिसिस ने हमको टाइम दे दिया। अब हमको ये भी पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड जो है वो है वी नॉट कॉस थीटा। एक्सेलरेशन कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? ज़ीरो होगा। वहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों था? वर्टिकल है, ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी तो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल तो उसके आप इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। ये अच्छी बात है, ठीक है। और पूरे प्रोसेस में टाइम कितना मिला? उस पूरे प्रोसेस में जो हमने वहाँ पे निकाला है उतना टाइम इसको मिला है। तो आप कह देंगे टी इक्वल्स टू, अब हमको पता है 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। कितना डिस्प्लेस हुआ ये अपनी जगह से इतने टाइम में, तो उसी चीज़ को हमने कह दिया है आर। आर फाइंड कर सकते हैं आप। कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली आर इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए आपका चला जाएगा, या फिर आप कह देंगे स्पीड डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सिंपली आ जाएगा आर के आगे आपका, वी नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है साइन 2 थीटा। अब आप में से कुछ लोग होंगे जिनको ये फॉर्मूला याद है, जिनको ये फॉर्मूला याद है, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? मे भी हल्का फुल्का याद हो, ठीक से ना पता हो, ऐसा हो सकता है। अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमको याद नहीं करना, अब हमको पता होना चाहिए कि आया कैसे। ऐसे आया, ये मेन चीज़ है। ये चीज़ पकड़ लोगे 2D पकड़ा गया। बाकी याद करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, वो काम बायोलॉजी के लिए छोड़ दो। बायोलॉजी मेरे ख्याल से याद करना पड़ता है ज़्यादा कि किस में करना पड़ता है, आप लोग बताओ, मेरे को पता नहीं। मैं ऐसी ज़बरदस्ती, मेरे को जिस सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है मैं कह दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ठीक है, सो
हाँ, जिसमें भी आपको याद करना पड़ता है, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको मेन चीज़ दिस इज़ इक्वल टू दिस ये समझना है, ठीक है? इसको समझे, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कितना होगा कैसे पता लगाएंगे? फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फिर से बोलेंगे, माइनस मैं उस इस नॉइस के कारण नहीं सुन पा रहा हूँ आपकी बात। ओके, सो इस प्रोसेस में आपको पता है कि अगर आपको ये हाइट पता लगानी है तो एसेंशियली आपको ये हाइट पता लगानी है, ठीक है? अब या तो आपको ये पता है कि इस पूरे प्रोसेस में जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो इसका आधा टाइम लगेगा, यानी कि वी नॉट साइन थीटा बाई जी, इतने टाइम में आपका काम हो जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है, आपका हो इनिशियल स्पीड तो वी नॉट साइन थीटा कुछ हो रहा होगा, फाइनली ऊपर जाके उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है। वो तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, वो तरीका यूज़ करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर मेरे को टोटल हाइट पता लगाना है तो इनिशियल स्पीड मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी को मैं कंसिडर करता हूँ, इनिशियल स्पीड मेरे पास है वी नॉट साइन थीटा, फाइनल स्पीड मेरे पास है ज़ीरो। पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो है एच, और टाइम चलो पता है उसको हम यूज़ नहीं कर रहे। इससे क्या हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी, ये माइनस छूट सकता है। यू मैंने कहा प्लस, डिस्प्लेसमेंट भी मैंने कहा प्लस। डिस्प्लेसमेंट प्लस क्यों? क्योंकि वो भी ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है? इसलिए दोनों प्लस। तो ये चीज़ आप अपने प्रैक्टिस में ले आइए, जैसे ही आप ये चीज़ें लिख रहे हैं सीधे सीधे प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है सोच लीजिए। एक बार शुरू में लगा देंगे आगे गलती नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद फिर कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू एस, ठीक है? तो जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए एस, मतलब प्लस टू ए एस माइनस जी हो गया, ठीक है? और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एस तो आपका एच है, इससे आपको एच मिल जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ठीक है? देखा हुआ फॉर्मूला है, कहाँ से आ रहा है ये समझना इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो मेन बात हमने क्या की है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है? अब अगर मैं कहूँ बिल्डिंग है, यहाँ से पत्थर फेंका जा रहा है, तो आप क्या कहोगे? दिस इज इक्वल्स टू आप कहोगे दिस प्लस दिस, ठीक है? ये मेन कॉन्सेप्ट है। अब इसको एनालाइज करना आपको आता है, इसको एनालाइज करना आपको आता है, ये दोनों को यूज़ करके आप टोटल एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, इस प्रोसेस में मैंने कहा कि दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, ठीक है? तो ये दो में स्पेशल क्या चीज़ है कि दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं? एक में ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता, दूसरे में इफेक्ट मतलब इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता और बाकी पूरा इफेक्ट इसमें पड़ता है, ये आपका आर्ग्यूमेंट है, ठीक है? ये अलग। अच्छा, मेन बात यह है कि हम ये दो डायरेक्शंस जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है, इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस है, इसीलिए इनको अलग अलग कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये ज़रूरी है कि दोनों डायरेक्शंस परपेंडिकुलर हो। अब मैं आपसे पूछूं, कोई और डायरेक्शन पकड़ते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें, वो तो ये भी है एंड सो ऑन, ठीक है? तो वैसे कुछ कोशिश करते हैं। तो अगर आप किसी और डायरेक्शन की बात करते हैं, मान लेते हैं एंगल 45 डिग्री पे, ठीक है? 45 डिग्री पे अगर मान लीजिए ऐसी कोई दीवार होती,
ठीक है, यहाँ पे ज़मीन में कांच लगा हुआ है तो उसकी टेंशन नहीं है, मोशन इतना ही हो रहा है। और दीवार इस तरीके से कुछ लगी हुई है जो कि हॉरिजॉन्टल से यहाँ से 45 डिग्री पे। अब अगर टॉर्च आप ऐसा लगाते और टॉर्च ऐसा लगाते, ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या दिखाई देता आपको? आपको ये दो मोशन आपको दिखाई देता कि ये मोशन टूट रहे हैं किस तरीके से। तो एक हो गया यहाँ से ऐसे गया और यहाँ तक गया, मतलब ये इसकी लिमिट हो गई। तो एक तरीके से यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे रुक गया, यहाँ से इस साइड से देख रहे हैं। प्लस एक मोशन हुआ जो इस तरीके से गया, ये तो खैर सीधा ही दिखेगा आपको, ठीक है, इसमें कुछ वापस आना नहीं है। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैक्सिमम टाइम जो है वो अपने शुरुआत में ही गुजार दिया, ठीक है, और बाकी जो आधा टाइम था वो काफ़ी स्पीड से गया यहाँ पे, ऐसा कुछ आपको लगेगा। तो क्या ऐसी एनालिसिस की जा सकती है? आप कह रहे हैं कि इसको इसमें दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है, क्या आप इस तरीके से दोनों का पीस कर सकते हैं? सॉरी, समझ नहीं आया क्वेश्चन, समझ में नहीं आया क्वेश्चन। हमने क्या कहा? हमने कहा था कि ये प्रोजेक्टाइल था, इसको हमने ऊपर से और साइड से लाइट मारी, ठीक है, और क्या हुआ था, दो यहाँ पे दीवारें थे उनमें शेडो बनी। तो एसेंशियली ये दो चीज़ें हमने बिल्ड की, ठीक है, इसमें टॉर्च एक बार ऊपर था एक बार साइड में था एक के लिए, और ये कंपोनेंट मोशंस हमने क्रिएट किए। अब हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस है, वो बात आप यूज़ करना चाहते हैं, तो इंडिपेंडेंट यही दो डायरेक्शंस थोड़ी है, इंडिपेंडेंट तो ये दो डायरेक्शंस भी है, ठीक है, इन डायरेक्शंस में हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हमने किया, हमने क्या कहा कि दीवार को आप थोड़ा टिल्ट कर दिया 45 डिग्री पे, और टॉर्चेस इस तरीके से लगा दिए, टॉर्चेस इस तरीके से लगा दिए, तो अब जो शेडो बनेगा तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ से आया यहाँ पर रुक गया। इस प्रोसेस में स्टार्टिंग जो है वो तो यहाँ से हुई है, और फिर फिनिश जो हुआ है वो कहीं ऊपर पे हुआ है, ठीक है, तो वो इस तरह का मोशन हो गया। प्लस दूसरा हॉरिजॉन्टल मोशन, तो उसमें ऐसा लग रहा है, अब वो इसमें लाइन में नहीं दिखाई देगा, आप कहेंगे कि आधा टाइम जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँचने में लग जाता है, और ये जो डिस्टेंस है ये तो बहुत कम है इस फ्रेम से, इस डायरेक्शन के कंपोनेंट से, और ये काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत स्लो चला होगा, यहाँ पे काफ़ी फास्ट हो गया होगा, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर टुकड़े हैं, वो दोनों भी परपेंडिकुलर टुकड़े थे, तो क्या ये एनालिसिस सही है, इसमें कोई गड़बड़ी है, क्या दिक्कत है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मतलब ऑफकोर्स सी बात है, अगर आपके पास चॉइस हो इसमें और उसमें से तो आप उस अप्रोच को पकड़ेंगे, पर क्या इस अप्रोच को पकड़ने में आपसे गलती हो जाएगी, क्या ये इनवैलिड है? जैसे आप मेरे से पूछते हैं इजी कौन सा है, तो मैं कहूँगा वो इजी है। क्यों वो इजी है? क्योंकि आप कह रहे हैं इस मोशन की बात करते हैं, यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे पूरे प्रोसेस में स्पीड यूनिफॉर्म है, वी नॉट कॉस थीटा, तो ऑफकोर्स मैं इसको प्रेफर करूँगा, बट इसमें कुछ इनवैलिड है क्या? हाँ, कंपोनेंट्स यूज़ करना पड़ेगा, ग्रेविटी का, अच्छा ग्रेविटी का कंपोनेंट करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं जी तो इस डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे आपने एक ऐसा डायरेक्शन ले रखा है, एक ऐसा डायरेक्शन ले रखा है, तो जी का भी हमको कंपोनेंट करना पड़ेगा इस प्रोसेस में, बिल्कुल करना पड़ेगा। उसको हिसाब में लेने के बाद क्या हमारा आंसर सही आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि जो अर्थ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो कोई स्पेशल डायरेक्शन है, दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस है उसमें आप काम कर सकते हैं, आप चाहे इस तरीके से चूज़ करें चाहे इस तरीके से चूज़ करें, ऑफकोर्स आप इसको चूज़ करेंगे क्योंकि ये कन्वीनियंट है, ठीक है। कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़े, तो वैसा केस हम लोग देखेंगे। अभी टाइम क्या हुआ है? ओके, 10 मिनट्स है ना हमारे पास, देख लेते हैं।
इंक्लाइंट प्लेन है अल्फा एंगल का, एक पत्थर फेंका गया किसी डायरेक्शन में, ठीक है। सो डायरेक्शन में फेंका गया क्या होगा, वो ऐसे करके जाएगा और यहाँ के गिर जाएगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस में आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस में आप इसका पीसेस कर सकते हैं। एक ऑब्वियस पीस तो ऐसा हो जाएगा कि आपने कहा यहाँ से गया और यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से गया और यहाँ तक आ गया, कुछ ऐसा होगा। प्लस दूसरा पीस हॉरिजॉन्टल, तो वो यहाँ से निकला और कुछ इतनी दूर तक आ गया, ठीक है। ये दो मोशन, दो टुकड़े हमने कर दिए, ठीक है। एक और तरीका ये भी हो सकता है, आप कहोगे यहाँ से जा रहा है यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है इंक्लाइन का डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट करते हैं, तो एक मोशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मोशन वो सीधा ऐसे हो जाएगा। अब लग रहा है, अब देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपनी जगह से निकला और वापस वहीं पहुँच गया, ठीक है। तो ये जो केस है, ये एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें ऐसे कंपोनेंट्स करने का कुछ फ़ायदा हो, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल या एग्जैक्टली वर्टिकल रखने से नुकसान हो जाए। तरीका दोनों, इससे भी सॉल्व हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व नहीं होगा वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे चीज़ें इजी पड़ेंगी। क्या इजी पड़ेगा, आप इस मोशन के लिए कह सकते हो कि इसका डिस्प्लेसमेंट एसेंशियली ज़ीरो है, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में जो भी कंपोनेंट होगा वो आप देख लोगे, बट डिस्प्लेसमेंट उसका ज़ीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो होगा वो अब जी नहीं रहेगा। अब क्या होगा एक्सेलरेशन इसके लिए, तो जी जो होता है वो तो नीचे होता है, ये एंगल अल्फ़ा हो जाएगा कि ये एंगल अल्फ़ा होगा, कौन सा एंगल अल्फ़ा होगा, तो यहाँ पे जी बनाते हैं, ये जी है, ये अल्फ़ा है, ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये जो एंगल है ये अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा एंगल हो गया, तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा जी कॉस अल्फ़ा थीटा, जो भी बोल रहे हैं, माइनस की प्लस अभी डिसाइड नहीं किया हमने। हम चाहे तो इसको नेगेटिव डायरेक्शन डिसाइड कर सकते थे, चाहे तो इसको मतलब अब हमारे ऊपर है, तो कौन सा डायरेक्शन डिसाइड करना चाहेंगे। एस तो दोनों केस में ज़ीरो रहना है, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं इस डायरेक्शन को, तो उस हिसाब से ये नेगेटिव हो जाएगा। इनिशियल स्पीड जो भी रही होगी उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, मान लीजिए मैं कहता कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होता, नाइन्टी माइनस थीटा। मैंने ये नहीं कहा कि ये परपेंडिकुलर है, इस इंक्लाइन से परपेंडिकुलर ऐसा नहीं कहा, परपेंडिकुलर कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ एंगल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल सिंपली अल्फ़ा होगा, ठीक है। अब वेलोसिटी के कंपोनेंट, इसको कह देता हूँ वी नॉट वेलोसिटी है, तो अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आप सीधे सीधे कॉस थीटा साइन थीटा नहीं कर सकते, अब आपको अल्फ़ा का भी हिसाब लेना पड़ेगा। आप कहोगे वेलोसिटी जो थी वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में थी जिससे हॉरिजॉन्टल का एंगल था थीटा, और मेरे डिज़ायर्ड का मेरे डिज़ायर्ड डायरेक्शन का एंगल था थीटा प्लस अल्फ़ा। अब मैं दो टुकड़े कर रहा हूँ, एक टुकड़ा इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा इधर होगा, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इधर होगा, तो ये हो जाएगा प्लस वी नॉट साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, इस टाइप की कोई चीज़ हो जाएगी। ये सब चीज़ें मेन हैं, बाकी उसके बाद फिर इक्वेशन लगाना वो तो आपको आता है, उसमें कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। कोई पार्ट इस प्रोसेस में समझ ना आया हो बता देंगे। सॉरी, एंगल का नहीं समझ में आया कि ये थीटा क्या चीज़ है, थीटा प्लस अल्फ़ा क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, तो ये है इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, ये इसका कुछ परपेंडिकुलर है, ठीक है। और हमने मान लिया कि हमने किसी एक आर्बिटरी डायरेक्शन में पत्थर फेंका, वो जाके यहाँ पे गिर जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस में इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है ऐसा आपको गिवन है, ठीक है। और ट्रायंगल के जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं ना इसको, उसके हिसाब से ये एंगल अल्फ़ा होना चाहिए, इतना समझ में आ रहा है। ये उसके जस्ट परपेंडिकुलर है, ये अलॉन्ग द इंक्लाइन है। हमने क्या किया, हमने वही दो टुकड़े किए, हमने क्या किया, एक डायरेक्शन जो उसके इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, एक डायरेक्शन जो इंक्लाइन के पैरेलल है,
दोनों डायरेक्शन पकड़े हैं, ठीक है। अब इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ज़ीरो। ग्रेविटी की बात करेंगे, ग्रेविटी का डायरेक्शन ये है, ये है, मतलब आप कहेंगे कि अल्फ़ा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से और उससे 90 माइनस अल्फ़ा। सिमिलरली वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी वी नॉट जो था वो हॉरिजॉन्टल से थीटा पे था, हमको हॉरिजॉन्टल से नहीं चाहिए, हमको चाहिए इंक्लाइन के अलॉन्ग से, इंक्लाइन के अलॉन्ग से ये थीटा प्लस अल्फ़ा डायरेक्शन में है और उसके परपेंडिकुलर से 90 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा से, ठीक है, ओके। सो उसके अकॉर्डिंगली हम कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट होगा वी का, वी नॉट का, वो हो जाएगा वी नॉट साइन जो भी एंगल है थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हो गया माइनस जी कॉस अल्फ़ा। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, उसके बाद आप बना लेंगे, उसके बाद खाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, ये तोड़ना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, ओके। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। जी के साथ अल्फ़ा आ गया, वी नॉट के साथ थीटा प्लस अल्फ़ा आ गया, ये समझ में नहीं आया दोनों के साथ, हाँ समझा नहीं। अच्छा ये एंगल अल्फ़ा कैसे हो गया ये पूछना चाह रहे हैं, बाकी इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो ये एंगल अल्फ़ा कैसे हो गया, तो हमको पता है पूरे प्रोसेस में, यहाँ की बात करें जी नीचे होता है, यहाँ की बात करें जी नीचे होता है, हर जगह जी नीचे होता है, ठीक है। हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है कि ये जो डायरेक्शन है यानी कि इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसमें वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना, एक्सेट्रा, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब एक्सेलरेशन के बारे में हमको पता है ग्रेविटी ही रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन है, और आपको पता है ग्रेविटी का डायरेक्शन तो नीचे होता है, ठीक है। और यहाँ की बात करें यहाँ पे भी ग्रेविटी का ये डायरेक्शन होगा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो अब मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये एंगल अल्फ़ा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि एंगल अल्फ़ा कैसे हुआ, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक, सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कैसे हो गया, हाँ यही पूछ रहे हैं, ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। सो ये ज्योमेट्री की बात है, फिजिक्स का तो इसमें ऐसा है नहीं, फिर भी तो हमने जी को यहाँ पे लगा दिया फॉर सिंप्लिसिटी, यहाँ पे एक आराम से ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, आराम से ट्राइंगल दिख रहा है, आप कहोगे ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा होगा, ये तो समझ में आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा है तो फिर अब आप कहोगे कि आप यहाँ से परपेंडिकुलर से ही आपको एंगल चाहिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो चाहे यहाँ पे परपेंडिकुलर हो चाहे वहाँ पे, ठीक है। तो आपने किसी जगह पे बना दिया, आपने कहा इस डायरेक्शन में एंगल कितना है, तो ये पूरा एंगल जो है ये पूरा एंगल 90 है, ये है 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये कितना होगा अल्फ़ा, ठीक है, 90 माइनस अल्फ़ा तो बच जाएगा अल्फ़ा आपके पास, ठीक है, ये एंगल अल्फ़ा। फिर कॉम्पोनेंट्स आपको समझ में आ गए, ओके, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम।